मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 10 दिनों में 4 बार यूपी के दौरे पर रहेंगे। यहां विकास योजनाओं की सौगात देने के साथ ही वह जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। उनके दौरे यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रचार अभियान का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उनके उठाए मुद्दों और विपक्षियों पर किए जा रहे सियासी हमलों को नजीर बनाकर ही भाजपा चुनाव अभियान में उतरेगी। भारत में शनिवार को अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के बालासोर से किया गया। सरकारी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अग्नि 3 मिसाइल अग्नि सीरीज की नई जनरेशन वाली एडवांस मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल की अग्नि सीरीज की 6th मिसाइल है। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार के बीच वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना महामारी वर्ष 2024 तक बनी रह सकती है। फाइजर का पूर्वानुमान पिछले महीने ओमिक्रॉन वेरिएंट के उभरने के बाद आया है, जिसमें वायरस के मूल संस्करण की तुलना में 50 से अधिक म्यूटेशन है। इसने संक्रमण के खिलाफ टीके की 2 खुराक की प्रभावशीलता को कम कर दिया है और दुनिया भर में तेजी से फैलने का डर पैदा कर दिया है। कोरोना टीके की तीसरी यानी अतिरिक्त खुराक को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। ओमिक्रॉन स्वरूप से बचने के लिए विदेशों में इसका टीकाकरण भी शुरू हो चुका है, लेकिन भारत में भी अगले साल से स्वास्थ्य कर्मी व अति जोखिम वाली आबादी को अतिरिक्त खुराक देना तय हुआ है, जिसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा बाकी है। प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी धन का इस्तेमाल करने में सभी राज्य सरकारें फिसड्डी साबित हुई हैं। पर्यावरण मंत्रालय के NCAP की राष्ट्रीय सर्वोच्च समिति की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सभी राज्य सरकारें वायु प्रदूषण रोकने के लिए जारी धन का उपयोग करने में विफल रहे हैं। आयकर विभाग की टीम ने शनिवार तड़के लखनऊ, मैनपुरी, आगरा में एक विशेष राजनीतिक दल के फाइनेंसर के आवासों पर छापेमारी की है, जिसमें मैनपुरी के मनोज यादव, लखनऊ में गजेंद्र सिंह समेत करीब 1 दर्जन लोगों के घरों की छानबीन चल रही है। लखनऊ में ये आयकर विभाग का छापा अंबेडकर पार्क के पास स्थित गजेंद्र सिंह के आवास पर पड़ा है। गजेंद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के OSG रहे हैं। प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालय और उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं व 12वीं के 2,59,000 छात्र छात्राओं को अब टैबलेट नहीं बल्कि टैबलेट के पैसे दिए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार संबंधित छात्र छात्राओं के खातों में DBT के माध्यम से 12,000 रुपए भेजे जाएंगे। बताया जा रहा है कि टैबलेट खरीद की प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है। जल्दी इसका ऐलान हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में भले ही दिसंबर में बर्फबारी से 8 फीट तक बर्फ की मोटी चादर चढ़ गई हो, लेकिन बड़ी संख्या में आ रहे वाहनों के ब्लैक कार्बन से सैकड़ों वर्ष पुराने ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने का खतरा बढ़ गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कहीं पर्यावरण पर पर्यटन भारी न पड़ जाए। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के फैसले के लिए केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की है। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी मोहल्ला चाचा की तरह हैं, जो कि हम क्या खाते हैं, किससे कब शादी करते हैं, हम किस भगवान की पूजा करते हैं, इसका फैसला करते हैं। बता दें कि बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वर्तमान में पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। विधेयक को संसद में पारित किया जाना बाकी है। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक और मोड़ सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर हर महीने जेल के अधिकारियों को 1 करोड़ रुपए तक की रिश्वत का भुगतान कर रहे हैं, ताकि उन्हें जेल में सारी लग्जरी सुविधाएं और महिला विजिटर्स से मिलने की पूरी आजादी मिल सके। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर प्राप्त हुई है कि जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही के अलावा सुकेश चंद्रशेखर से जेल में अन्य सुपर मॉडल और बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी मिलने पहुंची हैं। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।